नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिजिटल पुंपुहार के बारे में है। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो, पुंपुहार चोला डायनेस्टी की एक पोर्ट सिटी थी जो लुप्त हो गई ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा या तो सुनामी लहरों की वजह से या फिर किसी और कारण से समुद्र में सी का लेवल इंक्रीज हो गया, जिस वजह से ये पुंपुहार सिटी जो है वो लुप्त हो गई। आज की जो पुंपुहार सिटी है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर थी एंशियंट पोर्ट सिटी पुंपुहार। अभी क्या हुआ है, अभी साइंटिस्ट के द्वारा चोला डायनेस्टी की इस पोर्ट सिटी को डिजिटली फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत। क्या किया जाएगा, मतलब डिजिटली रिक्रिएट करने का मतलब क्या है, मतलब देखो ये है, अंडर वाटर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, फोटोग्राफी की जाएगी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की सहायता से, सी बेड की ड्रिलिंग होगी, रिमोट सेंसिंग बेस्ड जियोडायनेमिक स्टडीज भी कंडक्ट की जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसके अलावा देखो, इस सिटी के डिजिटली रिक्रिएशन में पिछले 20,000 सालों की सारी जो जियोडायनेमिक प्रोसेस है उसको विजुलाइज किया जाएगा, जैसे समुद्र का जो लेवल है वो कैसे इंक्रीज हुआ। चूंकि ये जो पोर्ट सिटी थी वो कावेरी रिवर जहां पर समुद्र से मिलती है वहां पर थी, तो कावेरी रिवर का माइग्रेशन कैसे होता है, फ्लड्स, सुनामी, साइक्लोन्स, इरोजन्स, ये सब इवेंट्स जो भी कंडक्ट हुए हैं पिछले 20,000 सालों में उनको विजुलाइज किया जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन की सहायता से पुंपुहार पोर्ट सिटी को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। देखो, हम बात करें इंडिया डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में, ये यूनिक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये इनिशिएटिव ह्यूमैनिटीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स के बीच कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है, ताकि हमारे देश में जो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल हेरिटेज हैं, देखो टेंजिबल हेरिटेज मतलब जिसे टच किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मूर्ति है, इनटेंजिबल हेरिटेज जिसे टच नहीं किया जा सकता, जैसे डांस, ड्रामा, तो जो भी हमारी हेरिटेज हैं उनकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करनी है या फिर इंटरप्रिटेशन करनी है, इन चीज़ों के लिए ह्यूमैनिटीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स के बीच कोलैबोरेशन को सपोर्ट किया जाता है इंडिया डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला आर्टिकल। नमस्ते ओका फेस्टिवल। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 3 दिन का मल्टी कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे नाम दिया गया नमस्ते ओका। ओका जो है ये मध्य प्रदेश की एक लोकेशन है जहाँ पर ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर उस रीजन की कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर म्यूजिक, डांस, हेरिटेज वॉक्स, लोकल क्यूजीन, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सभी को शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो कितना रिच है। तो आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल श्री बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में प्लान बनाया गया है कि एक कुंभाभिषेकम आयोजित किया जाएगा। कुंभाभिषेकम जो एक तरीके का अभिषेक होता है, ये 1010 साल पुराने बृहदेश्वर टेम्पल में आयोजित किया जाएगा। बृहदेश्वर का मतलब होता है वृहद, यानी कि बड़ा। ये बहुत ही बड़ा टेम्पल है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 23 साल बाद ये अभिषेक आयोजित किया जा रहा है। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजराजेश्वरम या फिर पूर्वोदयर कोविल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनाया गया था एम्परर राजराजा चोला दी फर्स्ट के द्वारा, जो 985 सेंचुरी से 1015 सेंचुरी के आसपास रहे थे। देखिए, अभी तक केवल 5 कुंभाभिषेकम सेरेमनीज को ही आयोजित किया गया है बृहदेश्वर टेम्पल में। उनका टाइम पीरियड अगर आप जानना चाहें तो जो पहला कुंभाभिषेकम आयोजित किया गया था वो 1010 AD में, अगला 1729 AD में, देन 1843, देन 1980, देन 1997, और इसीलिए अब जो कुंभाभिषेकम है वो 23 साल बाद हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वाला 1997 में हुआ था। मान्यता तो ये थी कि कुंभाभिषेकम हर 12 साल पे किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहुत डिफरेंस आए हैं इन कुंभाभिषेकम में। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कावेरी नदी के किनारे है और एक बहुत ही एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है
फुल्ली रियलाइज द्रविणियन आर्किटेक्चर का। द्रविन, नागर और बेसर तीन टेम्पल स्टाइल्स होती हैं, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। तो जो द्रविणियन स्टाइल होती है, जो साउथ इंडिया में काफी प्रेवलेंट है, उसके लगभग हर फीचर को ऑप्ट किया गया है बृहदेश्वर टेम्पल में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, जहां पर इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से पुकारा गया है। अलॉन्ग विद चोला डायनेस्टी एरा के कुछ जो और टेम्पल हैं, लाइक गंगईकोंड चोलापुरम टेम्पल या एरावतेश्वर टेम्पल। देखिए, कई सारी श्राइन्स हैं जो इस टेम्पल में जोड़ी गई हैं अलग अलग रूलर्स के द्वारा, जो थे पांड्यास, विजयनगर रूलर्स या फिर मराठास, इन्होंने भी कुछ श्राइन्स को इस टेम्पल में आने वाले समय में ऐड किया। तो यहाँ पर ये जो टाइटल लिखा गया है ये गलत है, यूथर्मिया पिछले आर्टिकल का टाइटल है, यहाँ पर आप कुंभाभिषेकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल गुरु रविदास के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। 9 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई गई। गुरु रविदास भक्ति मूवमेंट के संत थे। वैसे देखो गुरु रविदास के जन्म का एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है, लेकिन विश्वास ये किया जाता है इनका जन्म हुआ था 1377 कॉमन ईरा में। गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेट की जाती है मघ पूर्णिमा के मौके पर। इस दिन फुल मून होता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार मघ महीना होता है। देखो सिखों का आदि ग्रंथ और पंचवाणी, ये दो सबसे पुराने डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं जिनमें गुरु रविदास का साहित्यिक काम देखने को मिलता है। गुरु रविदास अनटचेबल कास्ट थे और उन्होंने काफ़ी एट्रोसिटीज का सामना किया था, लेकिन बावजूद इसके गुरु रविदास ने फोकस किया अध्यात्म पर। उन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत लिखे और उन भक्ति गीतों ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला भक्ति मूवमेंट में 14वीं से 16वीं सेंचुरी के बीच। विश्वास ये किया जाता है गुरु रविदास शिष्य थे भक्ति संत कवि रामानंद के, और एक और फेमस भक्ति संत कबीर के समकक्ष थे, यानी कॉन्टेम्प्रेरी थे गुरु रविदास। मतलब जिस समय संत कबीर जीवित थे उसी समय संत गुरु रविदास भी जीवित थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य गुरु रविदास की थी मीराबाई। गुरु रविदास ने एक ऐसी सिटी की कल्पना की थी जिसका नाम था बेगमपुरम। कल्पना के अनुसार इस सिटी में कोई दुख नहीं होगा। ये एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पर कोई कास्ट कोई क्लास नहीं होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गुरु रविदास के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम्पी के बारे में है। हम्पी देखो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या कंटेस्ट है। कर्नाटक की सरकार ने ये आदेश दिया था हम्पी साइट के नज़दीक जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो वो रेस्टोरेंट्स बनाए गए थे मैसूर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1961 के अगेंस्ट जाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कर्नाटक सरकार के उस फैसले को सही करार दिया है। हम्पी के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें। ये देखो 3rd century BC में मौर्यन एम्पायर का पार्ट थी। विजयनगर एम्पायर के अंदर जो चार डायनेस्टीज थी, चारों डायनेस्टीज की कैपिटल सिटी थी हम्पी, और कब एग्जिस्टेंस में आई 1336 AD में। विजयनगर एम्पायर अपने चरम पर था जब तुलुवा डायनेस्टी के राजा किंग कृष्णदेव राव ये रूल कर रहे थे विजयनगर एम्पायर पर। इवन रामायण के किष्किंधा कांड में हम्पी का जिक्र मिलता है। ये हम्पी सिटी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के नज़दीक लोकेटेड है। 1500 AD आते आते हम्पी विजयनगर वर्ल्ड की देखो सेकेंड लार्जेस्ट मेडिवल इरा सिटी थी बीजिंग के बाद। उस समय सबसे बड़ी जो सिटी थी वो बीजिंग थी और दूसरे नंबर पर हम्पी। ये भी विश्वास किया जाता है इंडिया की सबसे अमीर सिटी थी हम्पी उस समय, और पर्शिया पुर्तगाल इसके अलावा और दूसरी जगहों से भी व्यापारी आते थे हम्पी में ट्रेड करने के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, रिवर तुंगभद्रा जिसके नज़दीक ये हम्पी सिटी है ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक, यानी बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कंजाव करने के लिए जल्द ही एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बेसिक जो जानकारी है हम डिस्कस कर लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा
कुनार का सूर्य मंदिर जो है वो एक रथ की फॉर्म में है। यहाँ पर आप व्हील्स देख सकते हो, यहाँ पर देखो 12 पेयर ऑफ व्हील्स हैं कुनार के सूर्य मंदिर में। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि मिथोलॉजी में ये विश्वास किया जाता है भगवान सूर्य का व्हीकल था रथ। भगवान सूर्य 8 घोड़ों के एक रथ पर सवार रहते हैं, मिथोलॉजी में ऐसा विश्वास किया जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को समर्पित कुनार का ये सूर्य मंदिर एक रथ की फॉर्म में है। 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं इस कुनार के सूर्य मंदिर में। इस मंदिर को बनवाया गया था 1240 AD में, 1240 AD। इस टेंपल की एंट्री पर लायंस एंड एलिफेंट्स यानी शेर और हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि टेंपल की प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। बनवाया किसने था ये टेंपल? ये टेंपल बनवाया गया था नरसिम्हा देव के द्वारा और टाइम आपको पता है 1240 AD के आसपास। 1200 मिस्त्रियों ने ऑलमोस्ट 12 सालों तक काम किया कुनार के सूर्य मंदिर को बनाने के लिए। कुनार का ये सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के कॉर्नर पे है। देखो कोण का मतलब होता है कॉर्नर और अर्क का मतलब होता है सन। हिस्टोरियन वैसे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं उड़ीसा में ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, फिर भगवान सन को डेडिकेटेड इतना विशाल मंदिर कैसे बना? ज़्यादातर मंदिर का जो ढांचा है उस पर देखो समय की मार पड़ी है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गया है टेम्पल के जो स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ये जो जगमोहन आप देख पा रहे हो यानी मंडप आप जो देख पा रहे हो ये काफ़ी सही सिचुएशन में है अभी भी। आप देखो एक इम्पोर्टेंट बात, इस मंदिर की 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की तस्वीरें हैं। ये देखो ये 3 तस्वीरें मंदिर की 3 दीवारों पर हैं। मकसद आर्टिस्ट का ये था दिन में हर एक समय मॉर्निंग में, दोपहर को और इवन इवनिंग में सन की रेस को कैप्चर किया जा सके। तो ये जो पहली तस्वीर है ये मॉर्निंग सन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी तस्वीर मिड डे सन को और तीसरी तस्वीर इवनिंग सन को। विश्वास ये किया जाता है जो मॉर्निंग सन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान ब्रह्मा से, जिनको क्रिएटर माना जाता है सृष्टि का। और जो मिड डे सन हैं, मिड डे सन को आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान महेश्वर के साथ, जिनको सृष्टि का डिस्ट्रॉयर माना जाता है। और तीसरा जो इवनिंग सन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान विष्णु से, जिनको सृष्टि का प्रिजर्वर माना जाता है। समझ गए, 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की 3 तस्वीरें, मॉर्निंग सन, मिड डे सन और इवनिंग सन। और चौथी जो दीवार है उस दीवार पर एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे से सूर्य की किरणें सीधा एंटर करती हैं और जाती हैं गर्भगृह तक। गर्भगृह आपको पता है वो स्थान जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। समझ गए, यानी मंदिर की 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की 3 तस्वीरें जो पूरे समय दिन में हर एक समय पर भगवान सूर्य की किरणों को कैप्चर करने के लिए हैं, लेकिन चौथी दीवार पर एक दरवाजा है जहां से सूर्य की किरणें सीधे एंटर करती हैं और जाती हैं गर्भगृह तक। गर्भगृह वो स्थान है जहां पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। इसके अलावा देखो एक बात आप ये भी याद रखिएगा, 1984 में यूनेस्को ने कुनार के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और हर साल फरवरी के महीने में यहाँ पर चंद्रभागा मेला ऑर्गेनाइज होता है और बहुत से तीर्थयात्री इस मेले में पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल दारा सिको के बारे में है, क्या कंटेक्स्ट है, क्यों न्यूज़ में है दारा सिको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक पैनल गठित किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का। किस लिए? मुगल प्रिंस दारा सिको, जिनका जन्म हुआ था 1615 में और डेथ हुई 1659 में, इनकी कबर को लोकेट करने के लिए। दारा सिको की जो कबर है वो दिल्ली में हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स के आसपास है, यानी जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है उसी मकबरे के आसपास इनकी कबर है। हम दारा सिको के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानें। ये देखो साजा के सबसे बड़े बेटे थे, साजा के जो बेटे थे उनके बीच में युद्ध होता है गद्दी संभालने के लिए, साजा का सक्सेसर बनने के लिए। और सक्सेशन के इस युद्ध में जीत होती है औरंगजेब की और दारा सिको जो सबसे बड़े बेटे थे ये सक्सेशन के युद्ध में हार जाते हैं। दारा सिको जो थे इनको लिबरल मुस्लिम भी कहा जाता है, इनके विचार काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे। इन्होंने
हिंदू ट्रेडिशंस के बीच और मुस्लिम ट्रेडिशंस के बीच समानताओं को खोजने की कोशिश की थीम। इनकी सोच ऐसी थी कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहें, हर एक को अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने भगवद गीता और 52 उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। ये देखो औरंगजेब के ठीक उलट थे, और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है औरंगजेब के बजाय अगर दारा सिको साजा के बाद शासक बनते, मुगल साम्राज्य में गद्दी संभालते, तो रिलीजियस क्लासेस की वजह से बहुत से लोगों की जो जाने गई थी औरंगजेब के कार्यकाल में, वो जाने ना जाती, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया इनके विचार काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, और औरंगजेब के बारे में कहा जाता है उनके विचार लिबरल नहीं थे। इसके अलावा देखो दारा सिको के बारे में ये भी कहा जाता है ये काफ़ी उदार व्यक्ति थे, जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ये अच्छे नहीं थे, और अच्छी बैटल भी इन्होंने नहीं लड़ी, इसी वजह से हार गए और औरंगजेब की जीत हुई थी सक्सेशन के युद्ध में। एक बुक है साजानामा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी हिस्टोरियन इनायत खान के द्वारा। इस बुक में इनायत खान बोलते हैं कि जब देखो औरंगजेब ने दारा सिको को हराया था तो चैंस में बांधकर, चैंस नहीं होती जिनमें कैदी को बांधा जाता है, उन चैंस में बांधकर इनको लाया गया था दिल्ली में, और इनका सर को काट दिया गया था, जो धड़ था नीचे का वो तो दफनाया गया हुमायूं के मकबरे के आसपास, और जो सर था उसको आगरा के किले में भिजवाया गया। ये बात किसने बताई? उस समय देखो इटली के एक ट्रैवलर निकोलाओ मनुची ये आए हुए थे हमारे देश में, इन्होंने इस बात का वर्णन किया अपनी बुक में कि क्या हुआ था उस दिन दारा सिको के साथ। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया दारा सिको के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है असू ट्राइब के बारे में है। एक आर्टिकल आया था द हिंदू में असू ट्राइब से संबंधित कि असू ट्राइब जो है मोबाइल रेडियो का इस्तेमाल कर रही है लोकल न्यूज़ और सॉन्ग्स को ट्रांसमिट करने के लिए। इससे असू ट्राइब के जो लोग हैं अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। असू ट्राइब जो है ये देखो ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप हैं, जो प्राइमरीली हमारे देश के झारखंड राज्य में रहते हैं असू ट्राइब के लोग। इनको पीवीटीजी ग्रुप में ऐड किया गया है। पीवीटीजी ग्रुप में आपको पता है 75 ट्राइब्स आती हैं, और पीवीटीजी से संबंधित क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम में यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो पीवीटीजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूपीएससी के द्वारा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असुर ट्राइबल ग्रुप के लोगों के द्वारा असुरी लैंग्वेज बोली जाती है। ये लैंग्वेज जो है असुरी लैंग्वेज ये लुप्त होने के कगार पर है। अभी 8,000 लोगों के द्वारा असुरी लैंग्वेज को बोला जाता है। मेन फेस्टिवल जो है असुर ट्राइब के वो इस प्रकार से हैं सरहुल, फगुआ, नवाखांस। 2011 के सेंसस के हिसाब से झारखंड के लातेहार और गुमला डिस्ट्रिक्ट्स में असुर ट्राइब के लोगों की संख्या है 23,000। यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है इंटरेक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर। इस एटलस की लिस्ट में असुर लैंग्वेज भी शामिल हैं। ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट की सहायता से एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है असुर ट्राइबल विजडम सेंटर। इस ऑर्गेनाइजेशन में असुर ट्राइबल्स शामिल हैं, और कहां पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है जोबीपट विलेज नेटरा हट के पास इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। मकसद क्या है असुर ट्राइबल विजडम सेंटर को इस्टेब्लिश करने का? ताकि असुर ट्राइबल्स का जो कल्चर है और असुर ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला आर्टिकल सामक्का सरक्का फेस्टिवल के बारे में है। तेलंगाना में एक जगह है मेडारम। मेडारम में एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस फेस्टिवल का नाम है सामक्का सरक्का फेस्टिवल। कौन सी ट्राइब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? कोया ट्राइब। यहां पे देखिए कोया ट्राइब के द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। 1 करोड़ लोग इस फेस्टिवल में जुड़ते हैं। 1 साल में 2 बार ये इवेंट ऑर्गेनाइज होती है। अभी क्या कंटेक्स्ट है? अभी कंटेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इस फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल का दर्जा दे दिया जाए।
एक बार इस फेस्टिवल को अगर नेशनल फेस्टिवल का स्टेटस मिल जाता है तो यूनेस्को भी इस फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का टैग दे सकती है। तो यूपीएससी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, यह भी पूछ सकती है समक्का सरक्का फेस्टिवल कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी पूछ सकती है कहां पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना में जगह है मेडारम, और मेडारम कहां पर है, तुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है मेडारम। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी इस फेस्टिवल को लिंक किया जा सकता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा समक्का सरक्का फेस्टिवल के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड पैटर्न ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है, न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के द्वारा एक फूड इवेंट ऑर्गेनाइज की गई। इस इवेंट में उसी प्रकार का खाना परोसा गया जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कंज्यूम करते थे, मतलब फूड इवेंट में इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इवेंट के आयोजकों के द्वारा। लेकिन देखो इसके बाद एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कंट्रोवर्सी ये थी, कुछ हिस्टोरियंस ने और एक्सपर्ट्स ने ये कहा आपने देखो इस फूड इवेंट में सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोस दिया, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा नॉन वेजिटेरियन खाना भी कंज्यूम किया जाता था। इसके अलावा आपने बहुत कम वैरायटीज़ शो की इस फूड इवेंट में। तो यूपीएससी इस इशू पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का फूड पैटर्न आखिरकार था क्या। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्टिव थी, एग्जिस्ट करती थी 3300 BC से 1300 BC के बीच आज के इंडिया और पाकिस्तान में। इनके द्वारा काफ़ी प्रकार का खाना कंज्यूम किया जाता था, जैसे एनिमल फूड्स, फॉर एग्जांपल बीफ, बफेलो, मटन, टर्टल्स, टॉर्टोइज़, घड़ियाल, रिवर एंड सी फिश, इन सब चीज़ों को कंज्यूम किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी तरह की सीरियल्स और पल्सिस भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उगाते थे और खाते थे। जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है उसके अनुसार कल्टीवेशन होती थी पी यानी मटर की, चिक पी यानी चना, पिजन पी मतलब तुर या फिर अरहर, हॉर्स ग्राम मतलब चना दाल, ग्रीन ग्राम मूंग, वीट की भी काफ़ी सारी वैरायटीज पाई गई हैं हड़प्पन साइट्स में। इसके अलावा बार्ले मतलब जो की वैरायटीज़ भी मिली हैं इंडस साइट्स पर। इसके अलावा देखो ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इटालियन मिलेट, रागी, अमरनाथ, सोरगम एंड राइस को भी कल्टीवेट करते थे। ऑयल सीड्स जैसे सीसमे का मतलब होता है तिल, लिनसीड का मतलब होता है अलसी, और सबसे लास्ट में मस्टर्ड मतलब सरसों, इनको भी उगाया करते थे। देखो यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती हैं कि क्या कॉटन को उगाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, ये पहले पूछा हुआ है। उसी प्रकार से बार्ले, वीट, इन ऑयल सीड्स के बारे में भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। सिंपल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ वेजिटेरियन पदार्थों को कंज्यूम किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्लिकी लैंग्वेज से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पर एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है क्लिकी लैंग्वेज के लिए। देखो क्लिकी लैंग्वेज जो है वो एक फिक्शनल लैंग्वेज है। बाहुबली मूवी में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया कालकिया ट्राइब के लोगों के द्वारा। हिंदू मिथोलॉजी में कालकिया जो है वो असुरों का एक ग्रुप है, यानी राक्षसों का एक ग्रुप है, उनके द्वारा इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया क्लिकी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज देखो रियल में बोली नहीं जाती है, जैसा मैंने आपको बताया बाहुबली लैंग्वेज के जो राइटर्स हैं उनमें से एक माधव करकी ने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया। शुरुआत में जब उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई तो इसमें 750 वर्ड्स को मीनिंग दिया गया और ग्रामर के कुछ नियम भी बनाए गए। लेकिन अब देखो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है इस लैंग्वेज के लिए। अगर वास्तव में कोई पर्सन इस लैंग्वेज को बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। 3000 क्लिकी लैंग्वेज के वर्ड्स का मीनिंग दिया गया है इंग्लिश में। कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं वेबसाइट पर ट्रांसलेशन से संबंधित। राइटर का ये कहना है
जिन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया, किसी रेस, कम्युनिटी या फिर कास्ट से संबंधित नहीं है ये लैंग्वेज। कोई भी पर्सन इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब से ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में? 21 फरवरी 2000 से। क्या सिग्निफिकेंस है 21 फरवरी की? देखो, 21 फरवरी की जो डेट है वो सुझाई गई थी बांग्लादेश के द्वारा, क्योंकि 1952 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था तो पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था, जबकि आज के बांग्लादेश के जो लोग हैं वो चाहते थे हम हमारी बांग्ला लैंग्वेज को सहेज के रखें। तो संघर्ष हुआ था, कुछ यूथ की जान चली गई थी इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के आंदोलन में, और तब से 21 फरवरी का जो दिन है वो मदर लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। बांग्लादेश ने यूएन को बोला कि 21 फरवरी के दिन हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया और 2000 के बाद से ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 फरवरी को। तो किलिक्की लैंग्वेज के बारे में यूपीएससी आर्टिकल पूछ सकती है, मूवी का नाम पूछ सकती है, या फिर कुछ और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दी जा सकती है नॉलेज टेस्ट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कुकी नागा मिलिटेंट साइन पैक्ट को लेकर। ये देखें, रिसेंटली नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने एकजुट होकर एक डिक्लेरेशन पे साइन किया है जो कि निगोशिएट करेगा पॉलिटिकल सेटलमेंट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। इन दोनों ने मिलकर, ये दो ग्रुप ने मिलकर एक डिक्लेरेशन पे साइन किया है। कुकी ट्राइब्स कहाँ रहते हैं और ये है क्या? देखें, कुकी ट्राइब्स एक एथनिक ग्रुप है जो कि थ्रू आउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्प्रेड किए हुए हैं एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको नहीं देखने को मिलेंगे कुकी ट्राइब्स। और इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है छबंगकुट, छपछारकुट। नेक्स्ट नागा ट्राइब, देखिए ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फैले हुए हैं, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम में बहुत ज्यादा इन लोगों की तादाद है। इसके अलावा भी नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार में भी नागा ट्राइब देखने को मिलते हैं। नागा ट्राइब्स देखिए अनगामी, आओ, छकेसंग, कोनियाक, ये फेमस नागा ट्राइब्स है। ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट इस तरह से होते हैं कि इनके रिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अजीब होते हैं, जैसा कि हेड हंटिंग करना। ओके, नेक्स्ट ये लोग के क्लॉथिंग स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं। नागा ट्राइब और कुकी की बात कर रहा हूं मैं। नागा ट्राइब की जो ड्रेसिंग स्टाइल होती है कॉनिकल रेड हेडगेयर होता है, और ये हेडगेयर जो सर पर पहनते हैं वो वाइल्ड बोर कैनाइन टीथ से ढका हुआ रहता है, डेकोरेटेड होता है, और वाइट ब्लैक हॉर्नबिल फिदर्स भी होते हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे। ये है नागा ट्राइब, ये फिदर से, ये हॉर्न से, ये फिदर से, ये हेडगेयर है, रेड हेडगेयर। ओके, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ये लोग के क्या है। सेक्रेनी मोत्सु और मोत्सुमोंग हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये फेमस फेस्टिवल से नागा ट्राइब के। नेक्स्ट आर्टिकल गतका मार्शल आर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में रिपब्लिक डे के मौके पर सिख कम्युनिटी के द्वारा गतका मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया गया। ये देखो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो सिख गुरुओं के साथ एसोसिएटेड है। इस मार्शल आर्ट में क्या होता है, तलवार और लाठियों की सहायता से फाइटिंग स्किल्स शो की जाती है परफॉर्मर्स के द्वारा, और सेल्फ कंट्रोल को भी शो किया जाता है। कैसे ओरिजिनेट हुई थी ये आर्ट? देखो, ऐसा विश्वास किया जाता है सिखों के जो सिक्स्थ गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने किरपान को अडॉप्ट किया था सेल्फ डिफेंस के लिए मुगल इरा के दौरान, और तब ये गतका मार्शल आर्ट ओरिजिनेट हुई थी। आप हमारे देश में दूसरी जो मार्शल आर्ट्स परफॉर्म की जाती हैं उनके बारे में भी देख लीजिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप इन सबको ध्यान से देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। कलारी पैटू को परफॉर्म किया जाता है केरला में, सिलंबम को तमिलनाडु में, थंग टा को मणिपुर में, थोड़ा को हिमाचल प्रदेश में, लाठी खेला पंजाब एंड बंगाल में, पारी खंडा बिहार बायराजपूत से, और सबसे लास्ट में मर्दानी खेल महाराष्ट्र में।
अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2014 के पेपर में पूछा गया था। कलारी पयाटू ये क्या है इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन में? पहला ऑप्शन, ये एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ सेविज्म है जो अभी भी प्रिवेलेंट है साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में। दूसरा ऑप्शन, ये ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क का एंशियंट स्टाइल है, अभी मिलता है ये साउदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया। तीसरा ऑप्शन, ये डांस ड्रामा का एंशियंट फॉर्म है और लिविंग ट्रेडिशन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार में। चौथा ऑप्शन, ये एंशियंट मार्शल आर्ट है और लिविंग ट्रेडिशन है इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। चौथा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि कलारीपयट्टू जो है ये केरला की एक मार्शल आर्ट है और तमिलनाडु के कुछ एरियाज में भी इसे परफॉर्म किया जाता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।